अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी पद्मावत, जिसे हमारे बुजुर्ग लोग भूरा बादल के नाम से गाया करते थे, जिसकी कहानी सुनाया करते थे, उसी किस्से की रागनी होगी। प्रेमी साथियों, उस समय की बात की जब दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी राज किया करता था और चित्तौड़गढ़ में राणा रतन सिंह, जिन्हें राणा भीम सिंह के नाम से जाना जाता है, वो राज किया करते थे। मेहरबानों, कहीं से पता लगती है कि राणा भीम सिंह की पत्नी पद्मावत बेहद खूबसूरत है, उसे देखने की ललक पैदा हो जाती है। अब तो खिलजी चित्तौड़गढ़ पहुंचता है और जाकर के बड़ा आदर सत्कार करता है भीम सिंह। मेहरबानों, बातों ही बातों में खिलजी कह देता है कि भीम सिंह, हम तेरी पत्नी को देखना चाहते हैं। मेहरबानों, आंखों में लहू उतर आता है, यूं कहने लगा, जितनी तूने बात कही है इतनी देर में मयानों से तलवारें खिंच जाया करती है, लेकिन तू अतिथि के रूप में हमारे यहाँ पर आया हुआ है। मेहरबानों, हाथ जोड़ लेता है खिलजी, कहने लगा, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था, मैं उस देवी के रूप की प्रशंसा सुनी है मैंने, मैं उस देवी के रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। मेहरबानों, अब तो योजना बनाई गई कि एक शीशा, एक दर्पण लगाया जाएगा और उसके सामने से रानी पद्मावत को निकाला जाएगा। ऐसा ही होता है, जब उस दर्पण के सामने से निकाला जाता है रानी पद्मावत को और जब उसके रूप की झलक उस शीशे पर पड़ती है, मेहरबानों, मोहित हो जाता है वो खिलजी और यूं कहने लगा, राणा जी, कभी हमारी दिल्ली में भी आइए, आपकी खातिरदारी करेंगे। मेहरबानों, अब तो जब खिलजी के वहां पर जब चित्तौड़गढ़ से राणा भीम सिंह पहुंचता है, कैद कर लिया जाता है और परवाना भेज दिया जाता है चित्तौड़गढ़ कि जब तक रानी पद्मावत का डोला नहीं लाया जाएगा, जब तक भीम सिंह की कैद को नहीं छोड़ा जाएगा। मेहरबानों, अब तो परवाने को पढ़कर के आंखों में आंसू आ जाते हैं पद्मावत के। अरे करूं तो क्या करूं, एक तरफ धर्म है, इज्जत है, लाज है और एक तरफ पति की जान है। मेहरबानों, भीम सिंह का भांजा, जिसका नाम बादल था, चंदेरी राजधानी में राज किया करता था, उसके पास में मदद लेने के लिए पहुंच जाती है और जाकर के देखती है कि बादल के सर पे सेहरा रखा हुआ है, मोड़ रखा हुआ है, घोड़ी पर असवार है, औरतें गीत गा रही हैं, बातें करूं तो कैसे करूं, शादी की तैयारियां हैं। मेहरबानों, अब तो औरतों के बीच में जाकर के गीत उठाती है और गीत के माध्यम से बात करती है, रे बादल, जिस तू शादी को रचाने के लिए जा रहा है, ये बाद में भी हो सकती है, तेरा मामा भीम सिंह कैद में पड़ा हुआ है उस खिलजी की में। किस तरह से अपना परिचय देती है, क्या गीत उठाती है, गीत के माध्यम से क्या बादल से बात करती है, क्या बादल से लिखा, हाँ, न्यू बोली रे फरिया और तुम सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही, भाई दर्द की कहानी मेरी, फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी हर सुनो तो सही, भाई आई हूँ चित्तौड़ से आई हूँ चित्तौड़ से नार पद्मनी नाम से, सो बातों का तोड़ से बादल तुझसे काम से, सो बातों का तोड़ से बादल तुझसे काम से, भाई कहानी तमाम से कहानी तमाम से कुछ बाकी ना रही, फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही, जेल में दिल्ली के दरमियान है तेरा मामा, जेल में दिल्ली के दरमियान है,
फंस गया दगा के खेल में खतरे में ईमान है, फंस गया दगा के खेल में खतरे में ईमान है, भई जाती दी खसान है। फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही। चोरी हो गई।